जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल परमार्थ पर। आज हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र किस प्रकार से बोलना चाहिए बहुत ही सरलता पूर्वक बताएंगे। जो इस वीडियो को देखेगा उसे अच्छी प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आने लगेगा। इसलिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आइए, किस प्रकार से पाठ करना चाहिए यह हम जानते हैं। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर के विनियोग करना चाहिए इस प्रकार से। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। उस जल को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद ऋषि आदि न्यास करते हैं इस प्रकार से। ओम अगस्त्य ऋषये नमः। शिरसि, सिर का स्पर्श करना है। ओम अनुष्टुप छंदसे नमः। मुखे, मुख का स्पर्श करना है। आदित्य हृदय भूत ब्रह्मदेवतायै नमः। हृदय, हृदय का स्पर्श करना है। ओम बीजाय नमः। गुह्ये, कमर के पास में स्पर्श करना है। रश्मिमते शक्तये नमः। पादयोः, दोनों पैरों का स्पर्श करना है। ओम तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः। नाभौ, नाभि का स्पर्श करना है। इसके बाद हाथ धुल लेना है। इसके बाद करन्यास करते हैं इन मंत्रों के द्वारा। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों अंगूठों को आपस में स्पर्श कराना है। ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः। तर्जनी अंगुली को, दोनों को आपस में स्पर्श कराइए। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः। बीच वाली उंगली को स्पर्श कराएं। ओम विवश्वते अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका उंगली को, दोनों को आपस में स्पर्श कराना है। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। सबसे छोटी उंगली को स्पर्श कराएं। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में ऊपर नीचे करना है। इसके बाद हृदयादि अंगन्यास होता है। जहाँ का हम नाम लेंगे वहीं पे आपको स्पर्श करते रहना है। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। हृदय का स्पर्श करें। ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा। शिर का स्पर्श करें। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वशट। शिखा का स्पर्श करें। ओम विवस्वते कवचाय हुम। कवच अर्थात दोनों बाहों के ऊपर कंधों का स्पर्श करना है। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट। दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। दाहिने तरफ से दाहिने हाथ को घुमाते हुए बाएं हाथ में ताली बजानी है। इसके बाद भगवान सूर्य का ध्यान करना है। गायत्री मंत्र के द्वारा, आप सभी को गायत्री मंत्र आता होगा, गायत्री मंत्र अपने आप बोल लेंगे और हम आपको ध्यान मंत्र बताते हैं। ओम रक्तांबुजासन मशेष गुणैक सिंधुम भानुम समस्त जगता मधिपम भजामि
पद्मद्वयाभयवरान्दधतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। ओम सूर्याय नमः। अब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे इस प्रकार से, आइए पाठ करते हैं अब। ओम ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् राम मगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्वविवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मकोहेश तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वशवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेतादिवाकरः। हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वष्टा मार्कण्डकोशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोहस्करो रविः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुहुषामपारगः। घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः। कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः। नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः। तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय शारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं
तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृक्ष्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावशीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो गत्स्त्यो जगाम सा यथा गतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष जप्त्वेदं परं हर्षमवात्मवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॐ श्रीवाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे अगस्त्यप्रोक्तम् आदित्यहृदयस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। इस प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने के क्या फ़ायदे हैं यह भी हम आपको बता दें। जिस भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, अड़चनें आ रही हैं, वह इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करे, भगवान सूर्य को अर्घ दे, 41 दिन के अंदर उसकी नौकरी लग जाएगी। यह स्तोत्र बड़ा ही प्रभावशाली है, बड़ा ही पुण्यप्रद है। जिस किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, वह कार्य नहीं बन पा रहा है, तब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए या सुनना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान यह स्तोत्र करेगा। इस प्रकार से आप स्तोत्र को पढ़ते रहिए, अपने कार्यों को पूर्ण करते रहिए। आपको यह स्तोत्र पाठ का वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट द्वारा बताइए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, आप उनका लाभ लेते रहें। धन्यवाद।